हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस बताने वाला हूं और वो भी हिंदी में, पूरी जानकारी के साथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिलेबस मिलेगा। कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और आपको तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थियों को बहुत ही इंतजार था हिंदी में सिलेबस का, रिक्वायरमेंट हो रही थी बहुत ही जल्दी। तो चलिए आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख पाएंगे, मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग के, यहाँ पर जो आपके लिए ये पार्ट आएगा वो कौन कौन से आएंगे। इसमें टॉपिक सादृश्यता श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट वाचन, रक्त संबंधी परीक्षण, वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, अंक अक्षर संकेत श्रृंखला परीक्षण, श्रेणी क्रम, समय अनुकूल परीक्षा, गति संक्रिया एवं निष्कर्ष, अंकगणितीय तर्क शक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की पर्याप्तता, गण गणना और भाषा, और एक और टॉपिक बचा आपका वर्ग एवं त्रिभुज की रचना। इससे संबंधित ये टॉपिक आएंगे। टोटल मिला के आपको जो मैं पार्ट बताऊंगा, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सब मिला के कितने नंबर के आएंगे, ये आएंगे आपके 5 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दें, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लें, बिल्कुल ईजी पूछे जाते हैं। गणित एवं सांख्यिकी यानी कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, संख्या पद्धति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, समतली आकृति का परिमाप एवं क्षेत्रफल, टॉस आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी यानी कि आपको सांख्यिकी वाले भी कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकी माध्य, माध्य वाले बहुलक वाले क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, संख्या पद्धति वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये बिल्कुल ईजी सिंपल है आपका सिलेबस है आपका, इसको एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिए, ज़्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में भी आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो यहाँ पर ये वॉइस वगैरह ये आपको पढ़ लेने, आर्टिकल, तो ये बिल्कुल ईजी है। आपको आर्टिकल पढ़ लेने हैं और आपको करेक्ट फॉर्म वगैरह पढ़ना, तो ये आपको ईजी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ लेनी है। ये चले बसे मैं आपको तैयारी करवाऊंगा आपके लिए। यहाँ पर 75 नंबर का डेली आपके लिए क्या चलेगा, मॉडल पेपर चलेगा। ये टोटल कितने नंबर का आता है आपके सिलेबस का, 75 नंबर का आता है आपका, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 75 नंबर का पूरा सिलेबस आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में संधि एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द एवं विपरीत, शब्द अनेकार्थ, शब्द युगम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और क्रिया सक्रम अक्रम, ये सारे यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि राजस्थान एक परिचय मैंने करवा दिया, यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। मैंने राजस्थान पुलिस के जो चल रही थी सीरीज उसमें करवा दिया और दोबारा से भी करवा दूंगा मैं, ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं ले। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की अपवाह प्रणाली, नदियों से संबंधित ये पढ़नी है आपको, जनगणना पढ़नी है आपको 2011 की, ठीक है, क्योंकि अभी 2011 की हुई है लेटेस्ट। राजस्थान की जलवायु और मृदा से संबंधित, क्लाइमेटिक सोयल राजस्थान, तो इसके बारे में पढ़ना है। कृषि, खनिज, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, ये सारी पढ़ने जो कि मैं आपको टॉपिक करवा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं इतिहास, इसके 15 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहता है, यानी कि आपके 30 नंबर का पूरा मामला होता है। तो 30 नंबर का बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, तो आपको करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पास होने में बहुत ही बड़ा एक रोल निभाता है, ठीक है। चलिए इसमें कौन कौन से, मौर्य काल के में सांस्कृतिक विकास, गुप्त काल में सांस्कृतिक, प्राचीन और ब्रिटिश भारत में शिक्षा, 1857 स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण, महात्मा गांधी एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारे इसमें टॉपिक होंगे। और भी टॉपिक है जो कि ये देख सकते हो, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, शिवाजी और मराठा रसोराज, 7वीं और 12वीं शताब्दी सम्राट संस्कृति, भक्ति आंदोलन, मुगल कालीन कला संस्कृति, महाराणा प्रताप, तो ये राजस्थान के कुछ राजा थे उनका भी यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे शिवाजी वगैरह राजस्थान का, तो ये सारे हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, यानी कि इतिहास में ये 30 नंबर का आपका आता है। 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी, इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं इसके इंडियन पॉलिटी के। कौन कौन से टॉपिक है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अंदर ये टॉपिक भी आ जाते हैं, वैसे अलग से भी नहीं देते, तब भी आपको पढ़ना था ये पूरे टॉपिक, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। भारतीय संविधान, भारत की संघीय कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के बारे में, जो कि अभी कौन है, ओम बिरला, तो ऐसे आपको इनके बारे में पढ़ना है। नौकरशाही, संरचना, राजनीतिक दल, चुनाव, इलेक्शन कमीशन वगैरह के, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यायपालिका एवं सर्वोच्च न्यायालय,
भारत में बोर्ड अथवा आयोग यानी कि नीति आयोग वगैरह और भी बहुत सारे बोर्ड होते हैं, इन्हीं के बारे में आपको सबको क्या करनी है, स्टडी करनी है, वो आपको मैं करवा दूंगा। इसके बाद ये क्या है, रसायन विज्ञान वगैरह मतलब साइंस से रिलेटेड, ये सारे मिला के 5 नंबर के पूछते हैं। जो रसायन विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु अणु, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में बल, गति के नियम, कार्य एवं ऊर्जा, तीनों टॉपिक बिल्कुल सिंपल है आपके लिए, तो आप इन्हें इजी से कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की, ऊतक टिश्यूज आपके बारे में पढ़ना है, नियंत्रक एवं सामान्य समन्वय के बारे में पढ़ना है, आनुवंशिकता एवं जीव विकास यानी कि आनुवंशिकता का खोज किसने की थी, जीव विविधता की खोज किसने की थी, कब प्रतिपादित हुआ, ये आपको पढ़ना है। इसे सिंपल सिंपल है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको पढ़ देना है। तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी तरीके से आपके लिए सिलेबस है, बहुत ही आसान। और इसके बाद शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रबंध, इससे संबंधित आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है यानी कि आपके 30 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो इस प्रकार आपके 75 क्वेश्चन हो जाते हैं 75 नंबर के, ठीक है, 75 नंबर का मैटर आता है जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए। शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रबंध क्या है, शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रबंध राजस्थान में शैक्षणिक संगठन प्रबंध, शिक्षा प्रबंध, सूचना तंत्र, संस्थागत नियोजन, शाला मानचित्र, विद्यालय प्रबंध समिति, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजस्थान शैक्षणिक अभिकरण, तो इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि BSER, क्षेत्रीय शिक्षा संगठन, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान, उच्च अध्ययन शिक्षा, शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा, ये सारे खंड संदर्भ, इनके बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान शिक्षा पहल, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय KGBV, तो ये आप सभी ने नाम सुना होगा, इनसे संबंधित आपको पढ़ लेना है कहाँ कहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक और टॉपिक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, इनके बारे में सबको आपको पढ़ना है। उसके बाद शैक्षणिक नवाचार यानी कि मित्र प्रशासन, राज शिक्षा, एजुकेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये सारे आपको इनके बारे में पढ़ लेना है, यानी कि करंट वाले जो क्वेश्चन है वो ये आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर शिक्षा से संबंधित, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपको जो सिलेबस है ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फर्स्ट ग्रेड के फॉरम शुरू हो गए हैं और आप तैयारी में अभी से जुट जाइए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा विद्यार्थी फॉरम भरने वाले हैं, पहले से फॉरम भर रखा है बहुतों ने, और जिनकी शिक्षा कम्प्लीट हो चुकी है अभी तो वो भी फॉरम भरेंगे इसका, तो इसलिए मैं आपको बता दूं इसकी तैयारी हमारे चैनल में जल्दी कंटिन्यू कर दी जाएगी और आपको उसका सेशन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम फर्स्ट ग्रेड की करके, ठीक है, और नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सब कुछ ले सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे जिस दिन भी आपको यहाँ पर क्लास शुरू होगी। तो धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।